ओम शांति। मानव जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर की एक यात्रा है। इस यात्रा में प्रकाश की ओर बढ़ते कदम कहीं अगर उलझन में पड़ गए, रास्ता भटक गए, तो जीवन की जो दो रास्ते बताते हैं, या तो रोशनी की रास्ता या तो अंधकार की रास्ता, जिसको कहते हैं एक सफेद की रास्ता है तो एक कालेपन की रास्ता है। लेकिन अगर मनुष्य आत्मा अंधकार के रास्ते में भटक भी गया, तो अगर बीच में समझ आ गई, समझ की रोशनी आ गई, तो वो रास्ता बदल भी सकता है और वास्तविक या उचित रास्ते पे या यात्रा पे निकल सकता है। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है ना, एक मास में दो पक्ष 15-15 दिन के माने जाते हैं। एक मास के लिए दोनों पक्ष का होना अनिवार्य है। ऐसे मानव जीवन में भी ये अंधकार और रोशनी साथ साथ चलेंगे, ऐसे कई लोगों की मान्यता है। लेकिन क्या कभी अंधकार के होते हुए आपको रोशनी नजर आई, या रोशनी के होते हुए कभी अंधकार को महसूस किया? आजकल दुनिया में आर्टिफिशियल लाइफ के पीछे भागता हुआ मानव रात में भी प्रकाश या रोशनी लाने का प्रयास कर रहा है। मानो कि रात ही नहीं दिन है, ऐसी महसूसता कराने में लगा हुआ है। लेकिन यह सच में, जब तक सूरज की रोशनी दुनिया को छूती नहीं, तब तक कितने भी आर्टिफिशियल रोशनी की आप आधार ले लो, पूरी तरह से अंधकार को समाप्त नहीं कर सकते हैं। थोड़े ही एरिया के या कुछ सीमित प्रदेश में आप अंधकार को मिटा सकेंगे। इसलिए समझ की रोशनी मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और समझ की रोशनी की रास्ते चलते मनुष्य आत्मा तो अपने मंजिल की ओर आगे कदम बढ़ाता है। जैसे कि रात को सोते समय हम क्या सोचते सोचते सो जाते हैं, उसी के स्वप्न देखते हैं, और रात को बहुत दुखी मन से सो जाते हैं, दुख के बारे में या चिंता के बारे में ही सोचते हुए हमने आंख बंद कर ली, तो सवेरे जैसे आंख खुलता है तो वही बातें याद आ जाती हैं, व उसी दुख की छाया में ही जीवन का दिन पुनः शुरू हो जाता है। इसीलिए तो बड़ों ने कहा, अंत मते स एवं गते, अंत काले जो सोचता है मनुष्य उसी स्मृति में आगे दिन हमारा बढ़ता है। ये ऐसे मानो कि सोचते कि एक जीवित काल का अंत दूसरे जीवित काल के आदि पे प्रभाव डालता है। लेकिन हर दिन भी तो मानव के लिए एक अंत ही होता है, उसके बाद नए सुबह की शुरुआत होती है हर रोज। इसलिए हमारे जीवन में इन उलझनों से आगे बढ़ते हुए हम ये नहीं सोचे कि अंधकार तो रहेगा ही, भले रहे, लेकिन रोशनी इतनी ज्यादा हो, रोशनी की इतनी स्ट्रेंथ हो, पावर हो, जो अंधकार ना के बराबर हमें महसूस हो। और इम्पॉर्टेंट बात एक है कि जीवित काल में आपने कितना भी त्याग, तपस्या, दान, पुण्य कमाया, अगर अंत काल में आपकी स्मृति भटक गई, चित्त चांचल्य हो गया, या अंत काल में आप ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत हो गए, खुद से भी भटक गए और भगवान से भी भटक गए, तो मानो अगला जीवित आपका उसका प्रभाव में आ जाता है, जिसके कारण अंत्यकाले च मामेव स्मरन त्यक्त्वा कलेवरम, ऐसे कहा हुआ है। शरीर को छोड़ते समय अंत्यकाल में मुझे एक की स्मृति में रहा करो, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। क्यों हम परमात्मा को याद करें? क्योंकि परमात्मा को याद करते करते हम एक प्यार की दुनिया में चले जाते हैं, और जिस प्यार की दुनिया में हम चले जाते हैं और हमारे अंदर प्यार ही प्यार उमड़ता है, तो अगला जीवन भी प्यार पूर्ण होगा, सम्मान पूर्ण होगा और मानवता पूर्ण होगा।
अगर अंतकाल में कोई ईर्ष्या द्वेष बदला लेने की भावना ऐसी भावनाओं में फंस जाते हैं या उन्हीं भावनाओं में उलझनों में हम शरीर त्यागते हैं तो अगला जीवन उसके प्रभाव में आ जाता है और जन्मते ही ईर्ष्या द्वेष की कड़ी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब परमात्मा रोशनी है उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं रहती, हम मोह ममता के बंधन में या अंधकार में ही फंसकर शरीर त्यागते हैं तो अगला जीवन भी बंधन पूर्ण ही होगा। इसलिए ही तो हमारी संस्कृति में कहा गया है, दुख भय से मुक्त होने की बहुत अच्छी युक्ति है अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। जी हाँ, एक बहुत सुंदर दृष्टांत हमारे सामने है। एक छोटी सी, हम सभी जानते हैं जुगनू जिसको कहते हैं, जो उड़ता है तो उसके पीछे पीछे हमें लाइट दिखाई देती है। ऐसे जुगनू के पीछे एक सांप पड़ गया था। वो सांप चाह रहा था मैं जुगनू को खा जाऊं, लेकिन जुगनू भाग रहा था, भाग भाग के थक गया, आखिर रुक गया। रुक कर सांप से पलट कर पूछा, आखिर तुम मुझे खाना क्यों चाहते हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वैसे मुझे खाने से आपके पेट तो नहीं भरने वाला, और मैं आपके ये जो खाने की कड़ी है, आहार कड़ी कहते हैं जिसको, या फूड चेन कहते हैं, उसके अंदर तो मैं नहीं हूं, फिर आप मुझे खाना क्यों चाहते हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तो सांप ने जवाब दिया, मैं मानता हूं कि तेरे को खाने से मेरा पेट तो नहीं भरेगा और तू मेरे खाने की चेन में तो हो नहीं, फिर भी मैं तेरे को समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि तेरे जो उजाला है ना, तोड़ता है तो जो उजाला दिखाई देता है, जो रोशनी दिखाई देती है, उससे मैं तेरे से जलता हूँ, इसलिए मैं तेरे को समाप्त करना चाहता हूँ। ऐसे हमारे जीवन के पीछे भी कई अंधकार भागते हैं, कई विकार हमें हप करना चाहते हैं, हमारे अंदर से ही निकलते हैं कई मन की कमजोरियां, जो मन में बसे हुए बहुत सारे हमारे ही वीकनेसेस है, उन कड़ियों के चलते हम अपने आप को बहुत बेबस महसूस करते हैं, तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भागते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि हम इतना अपने आप को रोशन बना दे, इतने उजाले में हम ला ले, अपने अंदर के प्रकाश को इतना बढ़ा ले, जबकि हमारा पीछे करने वाले को राह ही भटक जाए, वो हमारा पीछा अपना आप छोड़ दे और अपने आप को हम स्ट्रेंथन बना दे। ऐसे जुगनू ने भी समझ लिया, मेरी रोशनी से तेरे को जलन है, तो मैं और रोशनी से भागूंगा, मैं और रोशनी से जीऊंगा। तो हमें भी अपने अंदर भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वर्तमान को उज्जवल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतकाल में अगर हमारी स्मृति शक्तिशाली होनी चाहिए तो बहुत काल की स्मृति का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। शरीर छोड़ते समय जैसी भावना होगी वैसे हम जन्म लेंगे। जी हाँ, एक एक दिन घटता है, एक एक साल घटता है, तो जीवन से हम मृत्यु की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। सच मानो तो जीवन एक संघर्ष है। इस जीवित काल में, इस संघर्ष में हम जीने के लिए जितना प्रयास करते, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, इतना ही हमें अपने अगले जीवन की तैयारी या मृत्यु के बारे में भी सोचना बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे जिए जो हमारा अगला जीवन इस जीवन से इतना अच्छा प्रभावित हो जाए कि हम, है ना, अंतकाल में जो सोचते हैं वैसा जीवन ही हम पाते हैं। वैसे हम पुराणों में एक कहानी सुनते हैं, वो वैसे सच नहीं है। एक तपस्वी हुआ करता था, सब कुछ त्याग करके जंगल में चला गया, एक छोटे से कुटिया में रहता था। एक दिन हिरण के पीछे भागता हुआ, हिरण को खाने के लिए एक शेर हिरण के पीछे पड़ा हुआ था, तो हिरण भाग रहा था। भागते 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 उस दौड़ी में प्रसव वेदना कब शुरू हुई, उस हिरण ने एक छोटे से नन्हे से हिरण को जन्म दे दिया और खुद शेर के शिकार बन गया। ये इस महान तपस्वी के सामने ही हुआ, बहुत छोटा सा शिशु हिरण का,
इसने उठाया, पाल पोस कर उसे थोड़ा सा पालना करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो बढ़ रहा था वो हिरण, तो ये तपस्वी का तो अंत समय आ गया और ये सोच में पड़ गया, बेचारा हिरण बड़ा ही नहीं हुआ, अभी अपने आप को संभालना भी नहीं जानता, मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ, इसका अगला क्या होगा। ऐसे सोचते सोचते उसने शरीर त्याग दिया, फलस्वरूप अगले जन्म में वो हिरण बन गया। ऐसे एक कहानी सुनाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है कि अगर हम हिरण को सोचते हैं तो हिरण का ही जन्म मिलेगा, नहीं। लेकिन हम जिससे सोचते हैं, बंधनों में बंधकर अगर हम शरीर छोड़ते हैं, मोह ममता के जाल के कारण हम उसी बंधनों में बंधकर शरीर छोड़ते हैं, तो हमारा अगला जीवन दुख भरा होगा, बंधनों से घिरा होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन को जितना अच्छा चाहे रोशनी की ओर और अविनाशत्व की ओर लेके जाने का प्रयास करेंगे। इसलिए तो कहा गया है, परमात्मा को ऐसा स्मरण करो, परमात्मा की जो वर्णन हम सुनते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरण्याम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दाताराम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। परमात्मा जो प्रकाश है, परमात्मा जो अंधकार से परे है, परमात्मा जो सर्वज्ञ है, परमात्मा जो सनातन है, हम ज्ञान दाता, ज्ञान के सागर सर्वज्ञ को याद करते, माना जो प्रकाश का सागर है उसके साथ हम अपने आप को जुड़ते जाएंगे, अपने आप को उनके साथ अनुभव करते जाएंगे, तो हमारे अंदर का अंधकार मिटता जाएगा। वो उलझन का अंधकार हो, तनाव का अंधकार हो, बंधन हो या दुख, क्योंकि आत्मा को जब अपने आप की समझ आ जाएगी, अपने जीवन को सफल बनाने की समझ आ जाएगी, समझ की रोशनी में जो अंधकार आत्मा को छाया हुआ है उससे हम दूर होते जाएंगे, भले वो अल्पकाल भौतिक जीवन का ही क्यों ना हो या अविनाशत्व की ओर बढ़ने वाला ही क्यों ना हो। इसलिए संगम युग में या संगम काल जिसको कहते हैं, कृष्ण पक्ष जाता है और शुक्ल पक्ष आता है, अंधकार जाता है तो रोशनी आती है, ऐसे समय में सर्वज्ञ परमात्मा को याद करना, और जिसके बारे में कहा गया है अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाह परमम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परममा, जो अव्यक्त है, जैसे देखिए परमात्मा अव्यक्त है, हम भी अव्यक्त है, अव्यक्त की एक वास्तविकता को अगर हम समझेंगे, हमारे अंदर जो मूल्य है, शक्ति है, वो भी अव्यक्त है। वैसे दिखने वाला व्यक्त इस शरीर से अलग हम हैं, इसकी जो महसूसता है, इसके कारण हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, एक लिमिटेड बंधन में हम आ गए हैं, उससे हम दूर चले जाते हैं। एक बार दूध ने परमात्मा से बात करना शुरू किया और कहने लगा, मेरी कितनी सुंदर रंग है, रूप है, लोग मुझे चाहते हैं, दूध को अमृत भी कहते हैं, जिस गौ माता से मैं निकलती हूँ मुझे अमृत मानते हैं, मुझे पूजा जाता है, लेकिन जैसे ही मेरे अंदर कोई भी खटापन आ जाता है तो मेरा रूप रंग सब बदल जाता है, भगवान ऐसे कैसे, ऐसे क्यों है। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात दूध को समझाया कि हाँ, तुम तो अमृत हो सच में, लेकिन तुम्हारी जो जीवितावधि है, जीवित काल है, वो बहुत छोटा है, है ना, 24 घंटे के अंदर तुम्हारा असली रूप, अगर खटापन गिरता भी नहीं है तो भी फट जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हारे इस स्वरूप को स्थायी बनाना है तो अगर उसमें खटापन पड़ता है, वो दही बन जाता है, दही को मथन करने से, है ना, दही में मथनी मारने से दही से माखन निकलता है, माखन को अगर अच्छी तरह से घी बनाया जाए तो बहुत काल तक घी बचता भी है और भगवान के सामने रोशनी करने के लिए भी वो काम आ जाता है। ऐसे अगर तुम्हारा जीवन सफल करना है तो परिवर्तन को स्वीकार करो, तुम्हारे अंदर जो अविनाशत्व है उसको पहचानो, स्थाई गुण को पहचानो, तभी लंबे समय तक चल सकोगे। जी हाँ, जीवितावधि में, जीवित काल में, ये जो संघर्ष में हम जीते हैं, अपने समझ ज्यादा है या समझ को हमें बढ़ाना चाहिए, जो हमें एक लिमिटेड सोर्स को ही घमंड में ला लेते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए परमात्मा कहते हैं तुम्हें एक सोच रखना बहुत जरूरी है, अगला भी जीवन है, उस जीवन में हमारा अंतकाल प्रभावित करता है, इसलिए सदा
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। ऐसे नहीं कि मरते समय ही याद करे, जीवितावधि में सदैव हम परमात्मा को हमारा साथी बनाए रखे, क्योंकि हमारे अंदर की अविनाशत्व जो है, हमारे अंदर की जो श्रेष्ठता है, मूल्य है, उसे पहचानने में परमात्मा के अंदर की रोशनी हमें मदद करती है। और परमात्मा के अंदर की रोशनी हम अपने अंदर महसूस करते हैं, अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर की जीवित रोशनी जो है, समझ की रोशनी जो है, वास्तविकता की रोशनी जो है, ज्ञान की रोशनी जो है, हमारे जीवित काल को और जीवन के अंत को और अगले जीवन को भी सफल बना देगा। इसी को हम वर्तमान भौतिक जीवन पे भी असरदार महसूस करते हैं। अगर हम सोचते हैं पूरे दिन हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन रात को सोते समय हमने ऐसा कोई गंदा सीरियल देख लिया, कुछ कर दिया, तो रात भर हमारा विचार पूरे दिन में किए अच्छे विचारों के या अच्छे कर्मों के फलस्वरूप नहीं चलेगा। अंत में जो हमने देखा या सोचा उसी का प्रभाव चलेगा और दूसरे दिन पे उसी का ही प्रभाव होगा, जो आजकल हम देख रहे हैं, है ना। रात को दिन बनाने में लगे हुए हैं लोग, 12-2 बजे तक जागते हैं, सोचते हैं दिन में काम में रुकावट बहुत है, रात में रुकावट नहीं है। लेकिन ये जो जैविक घड़ी है, इसको हम बदलने में जो लगे हुए हैं, इसके कारण बहुत सारे मानसिक तनाव और मानसिक बीमारियों के वशीभूत हो रहे हैं। ऐसे मानसिक बीमारियों के वशीभूत होने के कारण मनुष्यात्मा में जो क्षमता है वो कम होता नजर आ रहा है। हाँ जी, दुनिया ही एक बहुत बड़ा अस्पताल नजर आ रहा है, क्योंकि मनुष्यात्मा अपने कर्म करते समय तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर इस बात को भूल गया है। इसलिए जीवितावधि जो भी मनुष्य को मिला हुआ है, इसे रोशनी के साथ बिताए। सूरज की रोशनी तो है ही, अंदर में जो रोशनी है वो घमंड न बन जाए, क्योंकि अंदर की रोशनी परमात्मा से जुड़ी हुई है। परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, उसकी रोशनी में कभी कमी नहीं होती है। जैसे दुनिया में करोड़ों सोलर पैनल क्यों ना लग जाए, लेकिन सूरज की रोशनी कम नहीं हो रही है, इसी तरह कितने भी लोग परमात्मा से जुड़ जाए, उनकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। इसलिए हम सभी हमारे जीवन को समझ की रोशनी में, ज्ञान की रोशनी में, ज्ञानदाता परमात्मा के साथ बिताए, ये तभी हमारा जीवन सफल होगा। ओम शांति।